मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों अगर आपको याद हो 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उसके मित्रों के साथ नारकोटिक्स यानी मादक पदार्थ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ये बहुत बड़ा इशू बना था। तो उसको गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े जो IRS है और उसमें NCB के हेड थे, उनको आज FIR लॉन्च हो गई है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के लिए और उन पर आरोप न लगाने के लिए, उनको न फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। तो वो अब उन पर मुकदमा चलेगा क्योंकि आर्यन खान को जो SIT बनी थी उसने क्लीन चिट दे दी थी कि इन्होंने मादक पदार्थ नहीं लिया था और इनको साजिश के तहत फंसाया गया था। मित्रों आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि 2021 के आसपास अगर आप देखें, जब तक वानखेड़े NCB के हेड थे तो तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनके यहाँ छापेमारी हो रही थी, उनको नोटिस जा रहे थे और फिर वो कुछ ले दे के बात बन जा रही थी और फिर उनको छोड़ दिया जा रहा था। तो उस दौरान का लगातार आप देखिए, कभी दीपिका पाडुकोण के यहाँ, कभी सैफ अली खान की बेटी के यहाँ और भी जो फिल्म एक्टर हैं उनकी उन पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो पार्टी कर रहे हैं और वो ड्रग लेते हैं। तो इस तरह के एक अभियान चला था, लेकिन जब आर्यन खान पकड़ा गया और उसको बहुत बड़ा इशू बना तो उसके बाद से फिर मामला छुपा क्योंकि वहाँ से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया था और उसके जो मित्र हैं उनको भी हटा दिया गया था। तो अब जाके CBI ने NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ एक क्रूज पोत में प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के आरोप में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है और उन पर प्राथमिकी FIR लॉन्च कराई गई है। तो इसके बाद वानखेड़े के 29 ठिकानों पर छापेमारी की गई, यानी वानखेड़े ने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि 29 जगह उसने छुपा के रखे हुए थे। और ये अक्टूबर 2021 का ही मामला है और NCB ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था और आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी। NCB द्वारा गठित SID ने दावा किया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई थी और मुंबई, दिल्ली, रांची, कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई। आरोप है कि IRS अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। आप सोचिए, शाहरुख खान जैसा व्यक्ति, जितना इस देश का पॉपुलर व्यक्ति, जिसे इस देश का हर आदमी जानता है, उसके बेटे से रिश्वत लेने की हिम्मत कैसे की इन्होंने लगता कि शाहरुख खान है। शाहरुख खान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि जो किसी के दबाने में या फंसाने में आ जाएगा। तो शाहरुख खान से दुश्मनी लेने का मतलब समझ लिया कि पहले आपको यहाँ से हटाया, फिर आपको सस्पेंड किया, अब आपको FIR लॉन्च हो गई और आप अब जेल भी जाएंगे क्योंकि CBI की मामला है तो जरूर जाएंगे। मित्रों गुजरात में 68 जजों का प्रमोशन रोक दिया गया है और इस प्रमोशन में राहुल गांधी को सजा देने वाले जो जज हैं, हरीश हसमुख भाई वर्मा जो सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनका प्रमोशन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM के तौर पर हुआ था, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने उसे रोक दिया है क्योंकि ये वही हरीश हसमुख भाई वर्मा है जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। अगर आपको ध्यान हो या स्टडी करें तो किसी भी मानहानि के केस में 2 साल की सजा अब तक नहीं हुई है। 2 साल तक सजा हो सकती है लेकिन किसी ने नहीं दी, 6 महीने में मामला निपट जाता है या माफ़ी के मामले में निपट जाता है। तो ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनका मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति CT रवि की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता सह वरिष्ठता का सिद्धांत और योग्यता पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूची जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैरकानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है, अतः इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हम पदोन्नति सूची में क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं, पदोन्नति पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता है,
जिन पर वह अपनी पदोन्नति से पहले नियुक्त थे। शीर्ष न्यायालय ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले की सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तो चूंकि जो जस्टिस शाह हैं वो 25 मई को रिटायर हो रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील जज कैडर के अधिकारी रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप राय मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, उस पर आगे बात होगी। तो ये भी एक मामला था क्योंकि जो गुजरात के लोग थे, गुजरात के जो बाकी जज थे उनकी तरफ से एक कोई शिकायत हुई थी कि ये जो जिन 68 लोगों का प्रमोशन किया जा रहा है वो एज पर लॉ नहीं और एज पर सीनियोरिटी नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो ये भी एक बड़ा मामला है और कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी को सजा देने का उनको ये बेनिफिट मिला है, यानी उनको इनाम मिला है। हालांकि इसको जजों के लेके सब बात नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग आरोप तो लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप पर को देखते हुए इस आदेश पर रोक लगा दिया, उनको वापस रिपरेटेड किया था, यानी CJM से वापस फिर चीफ मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जहाँ वो पहले थे। तो मित्रों ये दो बड़े निर्णय थे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।